और भारतीय समाज की जात व्यवस्था और मां की गुलामी की चक्की जब चलती है तो फिर उस पर परिवार निकलता है, घर निकलता है। इसलिए संघ परिवार इस दीवारी का जो परिवार है ना जरूर होना चाहिए जिम्मेदारी, वो यूरोप में भी लोगों की, लेकिन भारत का परिवार अलग होता है। यहां दो तिहाई मुल्क जो है वो परिवार के अंदर चला गया, चला जाता है, स्वाभाविक है बीमारी। यानी आपको कहावत एक बताता हूं जो सबको बीच में जवान कर देते, मन चंगा तो कठोटी नहीं, मतलब है गंगा में एक अंधविश्वास है कि नहा लिया तो पाप धो गए। तो कहावत में लिखा हुआ है कि मन चंगा तो कठोटी में गंगा, किसका मन चंगा रहेगा, रिक्शे वाले का जो खेत में काम कर रहा है उसका मन चंगा रहेगा, जिसका घर चंगा उसी का तो मन चंगा होगा। जाने हिंदुस्तान भारत में भारतीय समाज में यदि पहली लाइन की किसी की है, जितने हम सब लोग बैठे हैं कोई हमारा दोस्त नहीं है, मैं किसी के लिए दोस्त नहीं दे रहा हूं। मैं इमरजेंसी में बंद था, उसके पहले मैं 2.5 वर्ष पहले बंद रहा, लेकिन इमरजेंसी में जब बंद था तो लोगों से पूछता था कि तुम क्यों जा रहे हो, क्यों माफी में लिख रहे हो। जितने लोगों से मैंने बात की उसमें कहीं ना कहीं परिवार का कोई संकट था जिसके चलते आदमी जा रहा था। यानी पहली लाइन थी, फर्स्ट लाइन थी, हम जितने कमरे में बैठे इतना भारत पूरा बाहर फर्स्ट लाइन थी, पहली है पहली लाइन थी। और उसका आदमी का आपका इंसानों का दोष नहीं है, सभ्यता का दोष है, सभ्यता का दोष है। वो माँ की गुलामी से निकला है, हजारों बरस हो गए इस देश की कोई हमलावर कभी हार के गया यहाँ से, इसलिए गया है कि हमने ये कह दिया कि रक्षा करने का काम क्षत्रिय करेगा, जात का ऐसा खेल है। तो मैंने आपसे कहा कि बड़ी बीमारी है, लंबे समय से हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी है, हमको भी तबीयत से इसको लड़ना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने आरक्षण दिया, विशेष अवसर का सिद्धांत दिया, उसके साथ वोट दे दिया, कहा कि गुरु मेरा महात्मा बोले है। मैंने पिछले लोगों से मैं कहना चाहता हूं इस देश की बर्बादी और तबाही का यदि सबसे बड़ा कारण कोई है तो पिछड़े वर्ग, इनका काम था कि दलित को अन्याय ऊपर का लड़ना था तो बिगड़ दलित को मोहब्बत और प्यार के इंसाफ नहीं आ सकता। नीचे का जो आदमी है चाहे वो दलित है चाहे वो अति पिछड़ा है उसके प्रति ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उसके गुनाहों को बार बार माफ करने का, उसके साथ उसको महसूस होना चाहिए जानवर को मोहब्बत पता चल जाती है, इंसान की बात है। तो पिछली जात के लोगों ने बाबा साहब ने तो बड़े दिल से कहा महात्मा बोले मेरा गुरु, क्यों कहा, इसलिए एकता हो जाए, बगैर इसी एकता के कोई चीज नहीं हो सकती। जिन चीजों की आप चर्चा मैं भारत आऊं की जात जल्दी नहीं खत्म हो तो जवाब तो बनाओ। फिर ये कई बार एक साथी थे जो सामने बैठे शायद वो भाषण कर रहे थे, इतनी पार्टियां बना दिया हिंदुस्तान की धरती से, भारत की धरती से बीमारी निकल जैसा हमारे यहाँ कहावत है ना, जस राजा तस प्रजा, पलट दो उसको तो जस प्रजा तस राज होगा। इसलिए खंड खंड भारत है, खंड खंड पार्टियां बन रही। मेरा आपसे कहना है कि चुनौती है, ये चुनौती का तात्कालिक जो है वो जिनके बारे में आप कह रहे हो जिनका राज है वो सपना और सपना दिखा करके संविधान के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है, अकेले उनकी नहीं है, हिंदुस्तान की जात व्यवस्था जो है भारत की जो कास्ट सिस्टम है वो उसमें इनहेरेंट है। लोग कष्ट में है, वोट शूद्र रतिशूद्र के हाथ में कैसे, वही चक्र चल रहा दुष्चक्र है, कैसे उसका उस बोर्ड पे पैसे का बहुत असर होगा,
यानी एक चैनल नहीं है, एक चैनल था भी वो बहुत खतरे में, एनडीटीवी। अब सब चैनल एक से हो जाएंगे, खबर नहीं लिखेगी। इसलिए मैं आपसे ये सूत्र दे रहा हूं कि कभी मान लो मन हो जाए चैनल देखना, वैसे देखना नहीं चाहिए। यदि मन हो जाए तो जो खबर आ रही उसको उल्टा कर देना, उसको उल्टा कर देना, सच बोले। और आज जो है वो मैं दलितों को, मैं जो खड़ा हूं, जो जोखम हम लोगों ने उठाया उसमें अलीर मर्जी भी ले, उसमें खड़ा होके अन्याय का प्रचार किया। लेकिन जो समाज सोशल मीडिया, उसमें सबसे ज्यादा जिनको इस समय बड़ी बात यह है, कुछ चीजें निराशा की नहीं देखना चाहिए, आशा की भी देखना चाहिए। सबसे ज्यादा इस समय जो दलित का नौजवान है, वो बाबा साहब अंबेडकर का जिसको स्पर्श हो गया साहित्य का और चीज का, वो आज सामाजिक सोशल मीडिया पर इतना जबरदस्त युद्ध कर रहा है। उसके बाद मुसलमान, उसके बाद किसान। प्रेम कुमार, प्रेम मणि जी, आपका जो हिस्सा लिख रहे हो लेकिन विकल्प नहीं लिख रहे, बीमारी विकल्प है, कभी विकल्प 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 के कभी ये दुनिया नहीं, कभी ये दुनिया विकल्प ही नहीं होती। हर दौर में अन्याय के लिए प्रतिकार करने वाले लोग खड़े रहे, जरूरत इस बात की है प्रतिकार करने वाले लोगों के बारे में। ये देश मुर्दों का देश है। आचार्य नीतीश मेरे साथ थे बहुत वर्षों तक, हम दोनों साथ साथ हम लाइब्रेरी में दोनों रहते थे, वो मेरे लेक्चर थे और मैं वहां पहुंच हुआ था। तो मेरा गांव बड़ा लिटरेरी गांव था, बड़े फ्रीडम फाइटर, मैं लाइब्रेरी में रहता था तो बातचीत चलती थी आचार्य जी से। तो आंदोलन के बारे में मैं काफी, उस समय 62 का युद्ध हो गया था, तो जुलूस निकाल कर जलसे आकर के पसीना पसीना होते तो आए, तो सारी बात करते करते आचार्य जी से मुझसे कहा, भाई तुम जल्दी मरोगे। क्यों? बोले जिस काम में लगे हो उसमें जल्दी मौत हो गई, ये कोई परमात्मा ने उम्र नहीं दी है, ये उम्र तो आदमी के अपने शरीर का कितना ख्याल रखता है उसके अनुसार उसकी 100 वर्ष पक्की उम्र होती है। वो कच्ची कक्कर कोई बीमारी समझ आने पाता लगे, लेकिन यदि आदमी ठीक से चलेगा तो 100 वर्ष की उम्र। बात करते करते उन्होंने एक बात बड़ी जोरदार कही, क्यों तंग हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे ये मुर्दों का देश है, मुर्दा हो जाओगे तब ये ढोएगा, जिंदा आदमी को नहीं मानेगा। अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर लोहिया यदि मान लो बन जाते प्रधानमंत्री, कोई एक दौर नहीं है, बराबर हर दौर में विकल्प रहा। लेकिन ये जो कास्ट सिस्टम है ना, जात पिता जो है, ये ऐसी विकट चीज है, जंजाल है, ये सच को आगे ले जाए। इसका काम ही पूरे समाज में अन्याय ना करना, कदम कदम पर। मैंने कहा ना कि ये घूड़ा है, इस घूड़े में ये कचरा घर है, इसमें सब तरह का विषमता का, करप्शन का, भ्रष्टाचार का, सब तरह का कीड़ा इसमें बन रहा है। जितने लोग हम बैठे पहले ये कुछ रोज याद कर ले कि जात हमको नरक ले जाएगी। नरक मतलब आज के समाज, जात को यदि जमात में बदलोगे तो देश बदलेगा, जात को जमात में बदलोगे तो देश बदलेगा। 70 वर्ष नहीं बदला, इसलिए हम जितने लोग बैठे हुए एक काम पहला करें कि हम अपनी जात का इस्तेमाल दूसरे लोगों में मिलाने में करेंगे। क्या काम है? और जो नीचे वाला है उससे मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे,
जात का मतलब है ऊपर काटो नीचे चाटो, तो उल्टा कर देंगे, नीचे चाटेंगे ऊपर। कभी आंदोलन बढ़ेगा और हमारे अंदर जो व्यक्तिवाद होता है वो मैंने कहा ना कि घर चंगा तो पटोटे गंगा, व्यक्तिवाद घर घर से पैदा होता है। और आपकी हमारी शक्ति में बीमारी प्रकट है, गहराई से अंदर बैठी हुई, गहराई से अंदर बैठी हुई। इसलिए मैंने कहा कि ये लंबी लड़ाई, आज बड़ी लड़ाई एक और है, तात्कालिक तौर पर हर रोज जैसे मान लो इमरजेंसी आ गई, जयप्रकाश जी ने उस इमरजेंसी के दौर में जो एक चुनौती का जिस तरह मुकाबला किया, तो जो इमरजेंसी लगाने वाले लोग थे वो कहाँ चले गए, तो त्याग बम होता है। याद रखना ये जो हमारा पूरा देश है, भारत है, ये संविधान है, लोकतंत्र, लोकतंत्र है तो ये वोट है। और मोटे तौर पर भी मान लो खेत ही उजड़ जाए, खेत ही छाल से छिन जाए, किसान का ले लो, यदि खेत ही हाथ से निकल जाए तो फसल कहां लगाएंगे। तो ये संविधान ही विकट परिस्थिति में फंस जाए तो ये वोट का है, ये लोकतंत्र का है, ये भाषण करने का जो आजादी से हमको मिली हुई है आजादी, ये संविधान की किताब से मिली हुई, ये रह नहीं सकता, यही खतरे में। इसलिए इस लड़ाई को जो तात्कालिक लड़ाई है, जो सामने वाले लोग हैं वो कहते कुछ है करते कुछ है, किसानों की आत्महत्या हो रही है, चारों तरफ जो है वो भीड़ जो है गाय के नाम के लोगों को, चाहे पहलू खान है चाहे दादरी है, यानी जिन लोगों को आपने ऐसा काम दिया है कि चादर का चमड़ा निकाले वो सफाई कर रहे हैं, ये काम दुनिया में कोई एक तबका नहीं करता, हमारे भारत में इस धंधे को जो आदमी करता है।